खिजर जी, खिजर 17 साल बाद इंग्लैंड खेल रहा है पाकिस्तान की सरजमीन पर। जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरह से आपकी डिस्कशन में सुन रहा था कि वो जो पुलों के नीचे से पानी आहिस्ता आहिस्ता करके बह गया है, जिस तरह PSL में बहुत सारे क्रिकेटर्स आए, बहुत सारे प्लेयर्स आए, उसके बाद जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना है कि आज हमें एक और अच्छी खबर मिली है कि न्यूजीलैंड भी आ रही है। तो ये तमाम तर लोग जो कि बायलैटरल सीरीज को वेलकम है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर जो है वो कतारें लगी हुई हैं शायकीन क्रिकेट की। और मैं आपको ये एक गेट का मंजर है, इसी तरह मेरे कैमरामैन कासिम रईस दिखाएंगे कि आप पूरा जो मजमा देख सकते हैं, ये पूरा सिर्फ एक रोड है जो कि बंद किया हुआ है, नेशनल स्टेडियम की दीवार के साथ वाला ये रोड है, और हर तरफ से शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है और हाउसफुल एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची, क्योंकि तमाम ही जो है वो इस वक्त टिकट्स बिक चुके हैं। और यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं है, एक भाई यहाँ पे इंग्लैंड का फ्लैग लेकर भी आए हैं। तो भाई पाकिस्तान का भी झंडा है, इंग्लैंड का भी झंडा है, तो आप ब्रिटिशियर तो नहीं है? तो पाकिस्तानी है। अच्छा पाकिस्तानी है, तो फिर आप ये इंग्लैंड का फ्लैग क्यों लिए हुए? बस हमारे मेहमान है, वो मेहमान है, तो मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, तो किस तरह से वेलकम कर रहे हैं आप इस सीरीज को? बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। नारे वगैरह हो जाए कुछ, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे कुछ और लोग भी है जो कि पाकिस्तान के फ्लैग में क्या कहेंगे, किस तरह वेलकम कर रहे हैं? बहुत मजा आएगा मैच देखने में, काफी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतना तो चाहिए पाकिस्तान को। 17 साल बाद इंग्लैंड आई है, कमबैक अच्छा करना चाहिए पाकिस्तान जी। तो मिडिल ऑर्डर के बारे में भाई, मिडिल ऑर्डर से उम्मीद है आज चलेगा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर? हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर से हमारे, वरना ओपनर से बहुत उम्मीद है। भरोसा किस पर है? भरोसा रिजवान पे ही है, लेकिन तो अभी रेस्ट पे, तो बाबर पे ही करना पड़ेगा जी। किस पर भरोसा है, किससे खतरा है? बिल्कुल अपना बाबर पे ही भरोसा होगा, क्योंकि काफी साल से अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। खतरा तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है मैच पे, मैच पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक अच्छा मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और इस वक्त जो शायकीन है क्रिकेट की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की टीम की भी सपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हालात है, क्या इरादे हैं? जीतेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। नारे वारे लगाने? नहीं 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 लगाने, नहीं नहीं लगाने, गला खराब है, गला खराब है, भाई का गला खराब है आपका जी। इससे ज्यादा थैंक यू खिजर, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा हम मेहमान नवाजी की और क्या आपको जो है वो सबूत दें कि मतलब सिर्फ पाकिस्तान के सपोर्टर्स नहीं, अदील इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए भी, और ये चीज़ हमने पास्ट में भी देखी है। मतलब आई रिमेंबर डैरन सैमी सेइंग दैट कि जब हम यहाँ खेल रहे थे पाकिस्तान में, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कैरेबियन के किसी जो है वो किसी आइलैंड पे खेल रहे हैं, बिकॉज जिस तरह का सपोर्ट हमें भी मिल रहा था वो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। सो यस, ये सपोर्ट जो है इंग्लैंड को भी मिलेगा, इंग्लैंड को भी दिखेगा, क्रिकेट लविंग नेशन है हम और क्रिकेट अच्छी देखना चाहते हैं। पाकिस्तान अच्छा करे तो बहुत ही खुशी होगी, मगर इंग्लैंड भी अच्छा करेगा तो तालियां जरूर सुनेंगे आप, सन्नाटा नहीं होगा।